हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि त्रिकोणमितीय सर्वसमीका पर आधारित कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम ऑन द बेसिस ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। सो प्लीज कंसंट्रेट ऑन दिस टॉपिक, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है मेरे पास कुछ इस प्रकार का कि ये आपके न जाने कौन से एक्सरसाइज में 8.4 या 8.5 में है, कुछ अलग अलग बोर्ड में, अलग अलग बुक में, अलग अलग तरीका से अलग अलग एक्सरसाइज में दिया हुआ है, लेकिन मैं एनसीईआरटी की बात करूँ तो 8.4 या 8.5 में दिया है, 8.4 में। तो वहाँ पे देखिए क्या है सवाल। पहला सवाल है कि 1 प्लस जैसे कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, उसके बाद है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। इसको प्रूफ करना है, इट इज अ ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी, इसको हमें प्रूफ करना है। तो देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। सबसे पहले हम इसको LHS ले लेंगे। LHS में क्या है, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस, सॉरी यहाँ पे क्या है, 1 प्लस 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखिए आप 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, आप इसको और इसको देखिएगा तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको अलजेब्रा का नज़र आ रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस दोनों फॉर्मूला इसको हम लिख सकते हैं क्या, ए स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब कि ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूला से a प्लस बी इंटू ए माइनस बी अगर आता है तो हम उसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, यस और नो, यस। तो यहाँ पर भी देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है तो उसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बेसिस पे तोड़ दिए, और इधर क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे आप जानते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये जो फॉर्मूला होता है ये ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी से आया है, आपको साइड में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, ये होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यहाँ पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर इसका भी एक फॉर्मूला होता है, उसका क्या फॉर्मूला होता है वो देखा देते हैं। उसका होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये भी आप साइड में आप लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा या स्क्वायर लगाए तो उससे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यही है RHS। तो आप इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट भी कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ये सवाल है आपका 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। मैंने सबसे पहले LHS पार्ट लिया, LHS में क्या है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ पे आप देखिए 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो इसका एक अलजेब्रा का फॉर्मूला पे आ गया, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूला पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहाँ पे a की जगह पे 1 और b की जगह पे cos थीटा, अगर आप एज्यूम मतलब दिमाग में रख करके देखते हैं इसको, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला पे बन रहा है। तो मैंने इसको लिख दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, कॉस का स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज से ये आप जानते हैं कि कॉस साइन स्क्वायर थीटा होता है। इसका आपको नहीं जानते तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज फॉर्मूला डेरिवेशन का लिंक दिया हुआ, वहाँ पर देख करके आप ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज का मैंने सारा डेरिवेशन भी करवा करके वीडियो लेक्चर इस पर डाल दिया है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो इसका ये हो गया, और इसका ये तो ऑलरेडी वही है। फिर साइन स्क्वायर थीटा को मैंने साइन स्क्वायर थीटा लिखा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा हो रहा है, ये भी ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज ही है। इसका भी वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक आई मार्क में मिल जाएगा, तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं जाकर के। तो ये दोनों फॉर्मूला यूज हो गया यहाँ पे, ये दोनों
तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर ये हो गया वन। ये भी फॉर्मूला जो है ये ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फॉर्मूला है, तो ये आपको यहाँ से ये हो गया वन आर एस एस प्रूफ। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन जो है वो क्या है, वो है कुछ इस प्रकार के, साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए, फिर यहाँ पे है साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए इज इक्वल्स टू टू अपॉन इज इक्वल्स टू टू अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू टू अपॉन वन माइनस टू कॉस स्क्वायर ए। ये सवाल दिया हुआ है, आपको इसको प्रूव करना है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले फर्स्ट टर्म, यहाँ फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म्स, यहाँ पे तीन टर्म्स हैं, तीनों को इक्वेट करना है एक दूसरे के। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं यहाँ पे एल एच एस फर्स्ट पार्ट, या इसको कह सकते हैं हम फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म क्या है देखिए, साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन में साइन ए माइनस कॉस ए प्लस साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए, ये है आपका फर्स्ट टर्म। इसको हम अगर सॉल्व करते हैं तो देखिए सेकंड टर्म मिल जाएगा कैसे, इस दोनों का अगर नीचे वाले एलसीएम लीजिएगा डिनोमिनेटर में तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों का इन टू ही डायरेक्ट साइन ए माइनस कॉस ए इन टू साइन ए प्लस कॉस ए। अगर इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो ये वाला पार्ट कट जाएगा और ये बचेगा, इसको हम ऊपर वाले मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर के ये बन जाएगा क्या, साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस इस वाले पार्ट से अगर हम इसे डिनोमिनेटर वाले को मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा और ये बचेगा, इसको हम न्यूमिनेटर में ले जाकर के मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है आपको, इसको ए और इसको बी अगर आप देखें, इसको ए इसको बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है जानते हैं आप, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो यहाँ से हम इसको अगर उस फॉर्मूला पे तोड़ें ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से हो जाएगा ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस टू साइन ए और कॉस ए। ठीक है, फिर ये वाला प्लस नेक्स्ट ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है सेम, वहाँ पे बस माइनस लग जाती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए जगह पे है साइन, बी की जगह पे है कॉस, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस टू साइन ए इंटू कॉस ए। हेयर इन द डिनोमिनेटर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, व्हाट इज द वैल्यू, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, हेयर साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए फ्रॉम द अलजेब्रिक फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके नेक्स्ट हेयर टू साइन ए कॉस बी एंड माइनस में टू साइन ए कॉस बी, दिस टर्म्स एंड दिस टर्म्स आर कैंसिल आउट, सो वी गेट हेयर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, हाउ मच वैल्यू वन, ऑन दिस पॉइंट इट इज वी गेट वन एंड साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए वी गेट ऑल्सो वन, देन इन द डिनोमिनेटर हाउ मच वैल्यू, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, देन वी गेट साइन स्क्वायर ए माइनस cos square a, here 1 plus 1 is equals to 2 upon sin square a minus cos square a, you can see here 2 upon sin square a minus cos square a, second term is this, yes we can write here second term root term, second term is root, then we get after second term proving we get third terms. In the third terms we see here only cos theta is available in the denominator, not sin theta is available present here. So if we write in this part 2 upon
हेयर साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे अगर हम लिखें वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर एक जगह पे लिख सकते हैं, वन माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का फॉर्मूला होता है, और माइनस उसके बाद क्या है कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, ओपन डिनोमिनेटर अपॉन में वन माइनस कॉस ए, कॉस ए माइनस में दो बार है, ये माइनस में आ जाएगा दोनों एड होकर के, तो टू कॉस स्क्वायर ए, यही देखिए आप लास्ट टर्म है थर्ड टर्म्स, तो आप इसके बराबर थर्ड टर्म्स लिख करके टर्म्स प्रूव कर सकते हैं, यह हो गया आपका थर्ड टर्म्स, समझ में आ गया क्लियरली, इसमें कोई डॉट नहीं ना, चलिए अच्छा मैंने क्या किया, सबसे पहले एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, आप अच्छा से ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट टर्म लिया, फर्स्ट टर्म में मैंने एलसीएम ले लिया दोनों का नीचे वाले का, फिर एलसीएम लेने के बाद ये मिला, फिर ए प्लस बी का फॉर्मूला आ गया, ये ए प्लस बी का फॉर्मूला यही होता है, मैं साइड में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वह कितना होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ठीक है ना, और ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी का अगर फॉर्मूला की बात करें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ये फॉर्मूला दोनों का यूज किया गया है यहाँ पे, फिर एक फॉर्मूला और यूज किया गया ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी, तो इसका भी अगर मैं जिक्र कर दूं यहाँ पे तो ये क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे देखिए आपको ये पहले a प्लस बी बाद में दिख रहा है, यहाँ पे मैंने पहले लिखा था उससे कोई इफेक्ट नहीं होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन होता है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का फॉर्मूला है, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर अगेन वन, इफ यू एड दिस बोथ टर्म्स वन प्लस वन इज इक्वल टू टू, हियर डिनोमिनेटर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये देखिए आपको मिल गया सेकंड टर्म्स, इसी में साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे अगर हम वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रख दें ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से, तो आपको ये कॉस थीटा और कॉस ए दोनों मिलकर के टू कॉस ए हो गया, टू अपॉन वन माइनस टू कॉस स्क्वायर ए, ये आपको थर्ड टर्म्स हो गया, तो ये आपने देख लिया सेकंड सवाल, चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल पे, हियर थर्ड सवाल इज दिस, हियर वन प्लस cos थीटा अपॉन में sin थीटा इज इक्वल्स टू sin थीटा बट वन माइनस cos थीटा, ठीक है यही सवाल है, तो अभी हमें इसको प्रूफ करना है, तो कैसे प्रूफ करेंगे ध्यान से देखते रहिएगा, यहाँ पे क्या है sin थीटा, यहाँ पे हम दोनों टर्म्स में से LHS और RHS में से किसी भी एक पार्ट को लेकर के सॉल्व करके हमें सेकेंड पार्ट के बराबर कर देना है, तो वह इक्वेट हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे सेकंड पार्ट ले रहा हूँ, आप किसी भी पार्ट को लेकर के फर्स्ट पार्ट या सेकंड पार्ट लेकर के भी सॉल्व कर सकते हैं, उससे कोई पार्ट नहीं, तो मैं इसका आर एच एस ले रहा हूँ, आर एच एस, आर एच एस में क्या है साइन थीटा अपॉन वन माइनस कॉस थीटा, ठीक है यही है, तो यहाँ पे डायरेक्टली आप क्रिस्टलाइजेशन कर दीजिए, यहाँ पे डायरेक्ट सेकंड पार्ट लेने के बाद यहाँ पे डायरेक्ट एक टर्म्स आगे लिखिए साइन थीटा अपॉन वन माइनस cos थीटा इनटू इसका रेस्टलाइजेशन करेंगे तो 1 प्लस यानी कि परिमेयकरण 1 प्लस cos थीटा और टाइम में 1 प्लस cos थीटा, ये हो गया रेस्टलाइजेशन यानी कि परिमेयकरण हो गया, अब इसको हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे देखिए क्या मिल रहा है, ये देखिए ध्यान से ऊपर वाले का अगर हम मल्टीप्लाई करें यानी कि न्यूमिनेटर में तो sin थीटा इनटू 1 प्लस cos थीटा, नीचे क्या मिल रहा है a माइनस बी इनटू a प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है आप जानते हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आर यू क्लियरली नो, सो वी कैन राइट हेयर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको आप a इसको b देखिए तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इसी के फॉर्मूला पे है ये, यहाँ पे प्लस वाला बाद में तो उससे कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, सॉरी यहाँ पे थीटा है सभी जगह तो यहाँ पर भी थीटा ही होगा, तो थीटा तो वन माइनस वन का स्क्वायर करेंगे कितना होगा वन ही होगा, तो साइन थीटा इंटू वन प्लस कॉस थीटा अपॉन में हो गया वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा, इट इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज,
सो दिस साइन थीटा एंड दिस स्क्वायर इज कैंसिल आउट, सो वी गेट वन प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। यही देखिए आपका एलएचएस पार्ट है, यस और नो? एलएचएस पार्ट प्रूव हो गया, आया समझ में क्लियरली? इसमें कुछ नहीं था, सिंपल सा सवाल था ये, आरएचएस से मैंने लिया और इसका रेस्टिलाइजेशन कर दिया। रेस्टिलाइजेशन करने के बाद ये फॉर्मूला का यूज हुआ है यहाँ पे नीचे में, और बस उसके बाद ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का फॉर्मूला था, वन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे वन का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, वन ही होगा, तो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो इस फॉर्मूला का भी यूज किया है इस सवाल में। तो आप ये फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का ये फॉर्मूला है, इसका डेरिवेशन पूरा प्रूफ के साथ मैंने बनाया एक वीडियो लेक्चर इस पर आधारित, तो आप उसको डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक दिया है वहाँ से भी देख सकते हैं, या आई मार्क में भी मैंने डाल दिया है तो वहाँ से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट सवाल ये है कि sec थीटा प्लस tan थीटा माइनस वन अपॉन tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस वन इज इक्वल टू वन प्लस साइन थीटा अपॉन में cos थीटा। ये एक त्रिकोणमितीय सरलसमीकरण है, इसको हमें प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, ध्यान से देखते रहिएगा। इसका LHS पार्ट ले लेंगे, सबसे पहले LHS पार्ट में क्या दिया है, sec थीटा प्लस tan थीटा माइनस वन अपॉन में tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस वन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए इस वन को हम क्या लिख सकते हैं, sec थीटा प्लस tan थीटा माइनस, इस वन की जगह पे मैं लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा, tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस वन। अब देखिए यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, यहाँ देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस फॉर्मूला का हमें यहाँ पे इस्तेमाल करके ये सवाल में बनाना है आगे, sec थीटा प्लस tan थीटा माइनस, इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा। यहाँ देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे मैंने इसको लिख दिया है, वो फॉर्मूला मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने इस्तेमाल किया था, यहाँ पे ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह पे मैंने ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूला पे लिख दिया, और नीचे क्या है, नीचे आपका है टेन थीटा tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस वन। अब देखिए यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, sec थीटा प्लस tan थीटा, sec थीटा प्लस tan थीटा, sec थीटा प्लस tan थीटा, इस दोनों में कॉमन है, तो sec थीटा प्लस tan थीटा अगर हम यहाँ से कॉमन निकाल लें तो क्या बचेगा, sec थीटा प्लस tan थीटा अगर हम यहाँ से कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे ये क्या बचेगा, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, वन माइनस, यहाँ पे ये तो निकल चुका बाहर, ये बचेगा सिर्फ इस ब्रैकेट के अंदर, यानी कि इसको स्मॉल ब्रैकेट में ही रहने देते हैं, sec थीटा माइनस tan थीटा। नीचे क्या है, tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस वन। अब ये वाला माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये वाला माइनस इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बनेगा, वहां पे मैं यहाँ पे यहाँ इसको नोट कर लिया, यहाँ तक अच्छे से देख लीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है बस लेकर के, और ये इस वन की जगह पे sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा लिखा है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला भी लिख दिया, और उसमें से sec थीटा प्लस tan थीटा, sec थीटा प्लस tan थीटा दोनों में था, तो उसको मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचा वन और माइनस ये वाला टर्म्स, मैं ऊपर मिटा रहा हूँ, आप इसको पॉज करके लिखना है तो लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए इस वन को अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा मुझे कुछ इस प्रकार का, देखिएगा sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू ये वन
माइनस सेक थीटा, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस टेन थीटा अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन। ये टर्म्स और ये टर्म्स देखिए दोनों सेम है, प्लस में वन प्लस में वन प्लस में टेन प्लस में टेन माइनस में सेक माइनस में सेक, दिस टर्म्स एंड दिस टर्म्स आर कैंसिल आउट, सो वी गेट हियर सेक थीटा प्लस टेन थीटा। इस सेक थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, वन बटा कॉस थीटा प्लस टेन थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अगर इस दोनों को एलसीएम लेंगे तो हम क्या मिलेगा मुझे, कॉस थीटा और वन प्लस साइन थीटा, यही है आपका आरएचएस। यहां देखिए यही है, प्रूव हो गया। इसमें कोई डॉट, कोई भी समस्या या कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम में समस्या आती है अंडरस्टैंडिंग में या कुछ भी, तो आप कमेंट में जाकर के कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, ठीक है। तो आज मैंने आप लोगों को ये चार सवाल दिखाया, ठीक है। आई होप कि यू आर क्लियर अंडरस्टैंड दिस फोर प्रॉब्लम्स। इफ यू वांट टू मोर वीडियोज मोर लेक्चर मोर इंफॉर्मेशन अबाउट स्टडी, सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे ऐसे ही पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड जानकारी एवं क्वेश्चन सॉल्व लाता रहता हूँ, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाता रहता हूँ। आप लोगों को ये चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर लेना है ताकि नेक्स्ट वीडियो आप लोगों तक पहुँचते रहे, और ये लाइक और सब्सक्राइब करना फ्री है तो आपको यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट ज्ञान मिलेगा, तो प्लीज़ आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, और कुछ भी दिल में बात हो तो कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।